हाय दोस्तों, मैं युवराज कटारे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री राम गैरेज। ये जेसीबी 3DX मशीन है, इसका अभी हम डीजल पंप खोल रहे हैं, लेकिन इसमें अभी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि जो अंदर का इसका 13 का नट आता है वो खुल नहीं रहा है, स्लिप हो गया है पाना। अब उसमें बैठ नहीं रहा है पाना, एकदम से स्लिप हो रहा है। अंदर का जो नट आता है ये दोनों खुल गए, लेकिन अंदर का नहीं खुल रहा है, अंदर का स्लिप हो चुका है। अब पाना उसको लगेगा ही नहीं, ऐसी कंडीशन में इसको खोलना कैसे है, तो वही मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखिए, हमने इसका मैनिफोल्ड खोल दिया है। जब भी अंदर का बोल्ट अब नहीं खुल रहा है, स्लिप हो गया है या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो फिर इसको ये मैनिफोल्ड खोल लेना है। और मैनिफोल्ड खोलने के बाद आपको एक स्टार वाली एलंकी की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ये डीजल पंप के ऊपर की जो कैप है उसके ये चारों एलंकी बोल्ट है ये खोल लेना है। ये स्टार वाली एलंकी लगेगी इसको, ये खोलने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है। तो ये इसका सोलोनेट और जो जहाँ पर हमारा डीजल का सप्लाई का पाइप लगता है उसको भी खोल लेते हैं, तो एलंकी आसानी से लग जाएगा। ये दोनों को खोल के निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये निकाल लिया है अभी हमने, तो ये एलंकी से आसानी से खुल गए। ये चारों एलंकी बोल्ट निकाल लेना है, और चारों एलंकी बोल्ट निकालने के बाद अभी ये देखिए, ये ऊपर की जो बॉडी है हमारी ये साइड हो गई। अभी बोल्ट हमें यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो अभी ये स्लिप हो चुका है, तो इसको पाना तो लगाने से रहा नहीं, तो अगर पाना टूट भी गया तो यहाँ रिंग पाने से भी इसको खोल सकते हैं। लेकिन अभी ये बोल्ट स्लिप होने की वजह से इसको स्क्रू ड्राइवर से इस तरह से ठोक के घुमा सकते हैं। अभी ये घूम गया है, देखिए ढीला हो गया है, तो उंगली से निकल गया। उसके बाद बाईस का जो नट है उसको भी निकाल लेते हैं, और इस तरह से पंप हमारा निकल आएगा बाहर। इस तरह से हम अंदर का बोल्ट खोल के निकाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।